सो गाइज हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे जो है एशिया का सबसे बड़ा बुग्याल। उसके बाद हम लोग जाएंगे एक लेक में जिसका नाम है लेक ऑफ स्केलेटन। बंदरों ने पूरी हमारी थैली फाड़ दी और सारा सामान इसके अंदर से निकाल लिया। इन्होंने अंदर का बैग भी फाड़ दिया मुझे लग रहा है, क्योंकि वहां तक तो ठीक थी रोड, लेकिन ये रोड काफी कच्ची है। गाइस बहुत तेज बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। मैं तो दुआ करूंगा कि भगवान बारिश बंद कर दो, ना कहीं रुक सकते हैं और ना कहीं जा सकते हैं। बहुत रिस्की रोड है। ओ माय गॉड, ये बादल फटा था, ये पूरा ब्रिज टूट चुका है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवेंचर विद बॉबी भैया। तो गाइस आज हम लोग पहुंचे हैं थराली। काफी लंबा सफर था। मेरे पीछे जो रिवर बह रही है इसका नाम है पिंडर रिवर। ये आती है पिंडारी ग्लेशियर से। आज जो हमारा रूट है, अभी हमें यहाँ से वाण तक जाना है। वाण से पहले हमें दो तीन गांव और पड़ेंगे, तो उससे पहले हम लोग स्टे करेंगे। सो गाइज आज आपको बताता हूँ अपने ट्रिप के बारे में कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। सो गाइज हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे जो है एशिया का सबसे बड़ा बुग्याल। उसके बाद हम लोग जाएंगे एक लेक में जिसका नाम है लेक ऑफ स्केलेटन, यानी कि रूपकुंड, जहाँ पे है बहुत सारे मानव कंकाल, यानी कि ह्यूमन स्केलेटन। तो चलिए चलते हैं इस ट्रिप पे। काफ़ी एडवेंचर ट्रिप होने वाला है, क्योंकि अभी हमें वाण तक जाएंगे। उससे पहले आज हम स्टे करेंगे, उसके बाद हम वाण तक जाएंगे। वाण के बाद हमारा ट्रैक शुरू होगा, यानी कि 52 किलोमीटर्स का ये ट्रैक है जो हमें पैदल करना है, और काफ़ी चैलेंजिंग होगा। बीच बीच में हम लोग स्टे करेंगे, हम लोग वहीं रहेंगे, वहीं खाना बनाएंगे, कैंपिंग करेंगे। तो दोस्तों करते हैं अपना ये एडवेंचर ट्रिप शुरू, क्योंकि अब हम बिल्कुल उस पॉइंट पे पहुंच गए जहां से हमारा ट्रिप स्टार्ट होता है। काफ़ी एडवेंचर होने वाला है, काफ़ी मज़ा आने वाला है। अभी फिलहाल हमें करनी है अपनी शॉपिंग, तो पहले शॉपिंग करते हैं, क्योंकि खाने पीने का सामान सभी कुछ की व्यवस्था करनी है हमें। हमें घोड़ों की भी व्यवस्था करनी है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा लगेज है जो हमारे संग जाएगा, सामान वो भी लेके जाना है, और अपना ट्रैकिंग का सारा सामान लेके जाना है। करते हैं पहले शॉपिंग और चलते हैं अपने ट्रैक की ओर। मैं हूँ इस वक्त पिंडर रिवर के ऊपर। देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ इसमें बह के आए हैं। ये जो पिंडर रिवर है, ये पिंडर ग्लेशियर से आती है। ये पूरा बर्फ का पानी है, ग्लेशियर का पानी है। अगर इसे छुएंगे ना, बहुत ठंडा पानी है, आपका हाथ भी जम सकता है। और ये जैसे पेड़ है सारे, कई लैंडस्लाइड होते हैं, कई पेड़ गिर जाते हैं, तो वो सब ये नदी में बह के आ जाते हैं। फिलहाल दोस्तों हम लोग जा रहे हैं वाण की तरफ। तो वाण से पहले एक स्टॉप हमें और पड़ेगा, जिसका नाम है लोहाजंग, और वहाँ हम लोग स्टे करेंगे आज रात के लिए, क्योंकि काफी लंबा सफर है। और इस वक्त हम पिंडर रिवर के साथ साथ चल रहे हैं। देवाल तक पिंडर रिवर हमारे साथ रहेगी। देवाल में पिंडर और कैल रिवर का संगम है, चलिए वो भी देखेंगे वहां जाके। इस वक्त हम है चेपड़ों की मार्केट में, छोटी सी मार्केट है। बीच बीच में रोडें काफी टूटी हुई हैं, लोग रिपेयरिंग में लगे हुए हैं, तो लेबर यहाँ पर रिपेयरिंग कर रही है। इस बेदनी बुद्याल है यहाँ से 56 किलोमीटर, लाटू देवता टेम्पल 43 किलोमीटर, और देवाल है 5 किलोमीटर। खूबसूरत गांव देखिए यहाँ के, कितने प्यारे गांव हैं। गाइस आगे मौसम बहुत खराब हो गया है, काफी बारिश का मौसम है। अभी हमें तकरीबन जाना है 39 किलोमीटर। अभी भी यहाँ से बेदनी बुग्याल जो है 50 किलोमीटर है, और रूपकुंड है यहाँ से 60 किलोमीटर। तो काफी लंबा सफर हमें करना है, ट्रैक करना है। बहुत समय से हम लोग ट्रैक पे गए नहीं है, प्रैक्टिस अभी छूटी हुई है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि हम पूरा ट्रैक कर पाए। और बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, जितने नजदीक आते जा रहे हैं हम लोग अपने ट्रैक के, तो काफी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। इस ट्रिप में जो है टोटल व्यवस्था हमें अपनी करके चलनी पड़ेगी, क्योंकि 3-4 दिन के लिए हमारे पास ना तो लाइट की व्यवस्था होगी, ना खाने की व्यवस्था, ना रहने की व्यवस्था, क्योंकि टोटल ट्रैक है, और हमें जगह जगह बुग्यालों में अपने लिए रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। कल सुबह हम लोग अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे यहाँ से। मैं काफी एक्साइटेड हूँ इस ट्रैक के लिए। गाइज ये पूरा ऑफ रोड ट्रैक है,
पूरी कच्ची रोड है, बहुत टफ रोड है ये वाली, क्योंकि वहां तक तो ठीक थी रोड, लेकिन ये रोड काफी कच्ची है। तो गाइस पूरा ऑफ रोड ट्रैक है, पूरी कच्ची रोड है, इन रोडों से हमें निकलना है। जब गांव से गाड़ी निकल रही है और लोगों के जो रिएक्शन है ना, कोई कुछ बोल रहा, कोई कह रहा भयंकर, कोई कह रहा बाबरे बाप, कोई कुछ बोल रहा, बड़ा मजा आ रहा उनके रिएक्शन देख के। तो गाइज आगे बारिश शुरू हो गई, यहाँ पे काफी बारिश हो रही है, रास्ते भर बारिश है। और सबसे दुख की बात गाइज ये है कि हमारा पीछे सामान पड़ा हुआ था, बंदर ने पूरी थैली फाड़ दी है और कुछ सामान उसमें से निकाल के फाड़ दिया है। तो हमारे कुछ सिलेंडर्स थे वो भी निकाल के उसने तोड़ दिए हैं। अब टेंशन ये है कि काफी बारिश हो रही है, अगर बहुत तेज बारिश हुई तो हमारा सामान भीग सकता है, तो मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। वैसे स्पेयर में एक पन्नी और है मेरे पास, या तो फिर उसे डालता हूँ, लेकिन बारिश देखता हूँ कितनी तेज होती है अभी। तो ज्यादा नहीं बचा है, सिर्फ हमें 25 किलोमीटर के आसपास ट्रैवल करना है, लेकिन गाइस रोड बहुत बुरी हालत है रोड की, ट्रैवल करने में बहुत टाइम लग रहा है, बहुत रेंजते हुए गाड़ी चल रही है, क्योंकि काफी जगह लैंडस्लाइड है, रोड टूटी हुई है, और बरसात के बाद एकदम इस तरीके की जगह में आओ तो फिर एकदम रोड आपको टूटी हुई मिलेंगे। लेकिन चलिए कोई नहीं, फिर भी जाने का काफी एक्साइटमेंट है कि हमने जाना है। जल्द से जल्द मुझे अब कैंपर वैन बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर कैंपर वैन होती तो हम इजिली इसमें रुक सकते थे और ज्यादा ट्रेवल कर सकते थे। बट ये है कि अब होटल्स और जो गेस्ट हाउस होती हैं या जो होम स्टे होते हैं वो देख के हमें चलना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें स्टे करना पड़ेगा और शाम को बहुत जल्दी अपने लिए अरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको पहाड़ों में सो जाते हैं लोग, अंधेरा हो जाता है, तो इसलिए हर चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। बंदरों ने पूरी हमारी थैली फाड़ दी और सारा सामान इसके अंदर से निकाल लिया, इन्होंने अंदर का बैग भी फाड़ दिया, मुझे लग रहा है कहाँ से निकाले उन्होंने केन्स। चले कोई नहीं, फिलहाल इसको माओ इसको बंद कर दो बढ़िया करके, बंदरों से तो हम जीत नहीं सकते तो यहाँ पे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा बंदरों के साथ। चले कोई नहीं, सफर को आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल तो तिरपाल को हमने वैसे ही लपेट दिया है, लेकिन बैकअप के लिए मेरे पास एक तिरपाल और है, चले ज्यादा बारिश होगी तो फिर हम उस तिरपाल को यूज करेंगे। गाइस बारिश बहुत तेज बारिश हो रही है, कुछ दिख नहीं रहा है, बहुत हिसाब से गाड़ी चलानी पड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि बादल फट गया है। गाइस ऐसे में लैंडस्लाइड का भी बड़ा खतरा रहता है, बड़ा संभल के चलना होगा। ये देखो लैंडस्लाइड, तेज चलो यहाँ पर, ऊपर से पत्थर भी गिरते हैं। ओ भाई ये क्या हो गया। गाइस बहुत तेज बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे बादल फट गया हो और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, बहुत टफ हो गया ड्राइविंग करना। और यहाँ पे लैंडस्लाइड का खतरा बहुत बना हुआ है, मैं तो दुआ करूंगा कि भगवान बारिश बंद कर दो, क्योंकि इतनी तेज बारिश है समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, ना कहीं रुक सकते हैं और ना कहीं जा सकते हैं। हर गाँव गाँव में मछली पालन किया गया है, लास्ट वीडियो में मैंने एक बार दिखाया था आपको मुंशारी में, तो यहाँ भी ये ट्रॉट फिश की जो है ये हिमालयन फिश है, तो यहाँ पूरा एक रोजगार का अच्छा साधन है यहाँ भी। गाइस इस नाले में ना बादल फट गया था तो पूरा ये मलबा यहाँ पे आ गया है, ऊपर देखिए एक बिल्डिंग है और पूरा बादल फटा, बहुत नुकसान यहाँ पे हुआ है। गाइस हल्का हल्का अंधेरा होने लग गया है, मुझे लगता है कि काफी रात जाएगी हमें पहुंचते। फिलहाल कोशिश कर रहा हूँ गाड़ी खींचने की, अभी तकरीबन हमें 15-1 किलोमीटर और जाना है, बट बारिश के कारण हम लोग बहुत हल्के हल्के ट्रैवल कर रहे हैं। दोस्तों ये पूरी चौलाई की खेती है, चौलाई लगी हुई है पूरी, कितने प्यारे प्यारे खेत है गाइस, और शाम का टाइम है, हल्के हल्के लालिमा सी लग रही है। अब जो जो अंधेरा होने लगा है लोग यहाँ दिखने कम लगे हैं, पहले सड़क पर बहुत सारे लोग दिख रहे थे लेकिन अब हल्के हल्के कम हो जाएंगे। बहुत रिस्की रोड है, ओ माय गॉड गाइस वो पुल देखो आप, ये बादल फटा था ये पूरा ब्रिज टूट चुका है। फाइनली हम पहुंच गए हैं लोहाजंग और आज हम यहीं स्टे करेंगे। गाइस जूरू को, जूरू का फ्रेंड मिल गया यहाँ पे, उसका नाम क्या है, सिम्बा। सिम्बा सिम्बा जूरू
सो गाइस फिलहाल लेते हैं यहाँ से सामान, क्योंकि सामान की एक लिस्ट दे दी है मैंने। 5 केजी आटा है जी, 5 केजी चावल हो गया, 1 केजी चीनी हो गई, चीनी हो गई, मसाले कर दिएगा सारे, खड़े मसाले कर दिएगा, सरसों का तेल कर दिएगा, अदरक और आलू और प्याज, 10 पैकेट वाले दूध रख लेते हैं, बाकी वो वाला दूध है सामने ना एवरीडे का, कल सुबह लेंगे सामान आपसे, आप पैक कर दिएगा हमारा। ठीक है, थैंक यू भाई। ओके भाई, तो गाइस सामान का ऑर्डर हमने कर दिया है और कल सुबह हमारा सामान पैक हो जाएगा, फिर हम यहाँ से लेके जाएंगे। सो गाइस गाड़ी हमने यहाँ पार्क कर दी है, एक बार आपको अपना रूम दिखा के लाता हूँ। इस वक्त हम लोग आए हैं एक होम स्टे में, तो जो होम स्टे है उसके ओनर है संजू। हेलो संजू, कैसे हो? बढ़िया सर। ये संजू आपका होम स्टे किस नाम से है? सर मेरा होम स्टे विस्टा स्टे लॉजिंग करके है। यहाँ से ही ट्रैक स्टार्ट होता है ना? जी सर, ये रूपकुंड ट्रैक का बेस कैंप एंड ब्रह्मताल ट्रैक का बेस कैंप, अली वेदनी ट्रैक का बेस कैंप एंड मोनाल टॉप का बेस कैंप, सारा ये यहीं से स्टार्ट होता है। बहुत ही नीट एंड क्लीन एक होम स्टे उन्होंने यहाँ पे बनाया, एक बार मैं आपको रूम दिखाता हूँ। सो गाइस इस तरीके से यहाँ पे बेडिंग लगी हुई है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन बेडिंग है, यहाँ पे आप लोग ग्रुप्स में आ सकते हैं, रह सकते हैं। फिलहाल तो अभी आज हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे। हमारा सामान देखिए कितना सामान हमारा हो गया है, ये सारे हमारे बैग्स पता नहीं 2 घोड़ों में जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, ये सोचना है, लेकिन फिर भी इस तरीके से सेटिंग करके कि सारा काम हो जाए। तो चलिए गाइस पहले चलते हैं खाना खाने, खाना खाने के बाद फिर हम लोग कर रहे हैं डिनर। डिनर में बना है येलो दाल रोटी और बैगन की सब्जी। फिलहाल हमारी वीडियो अपलोड हो रही है और उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा सा। जूरो का छोटा भाई सिम्बा, इसकी जूरो से दोस्ती हो चुकी है और ये बहुत ही क्यूट है। आप क्या देख रहे हो बेटा? जोरो सामने घोड़ों को देख रहा है। सो गाइस काफी लेट हो गए हैं, सोना भी है, कल सुबह हमें निकलना भी है, तब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे एडवेंचर विद बॉबी बियर। टिल देन गुड बाय।